जैसा कि अभी आपको हमारे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष अशोक विकास ने जो बात बताई, उसी के संदर्भ में आज हमारा सुबह 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर गया था। इससे पूर्व गत रात्रि को जौहरीलाल जी मीणा, जो कि राजगढ़ विधायक हैं, उनसे भी हम लोग डॉक्टर एस एन शर्मा जी के निवास पर मिले थे प्रतिनिधिमंडल, और उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया था कि मैं भी ये चाहता हूँ कि बांदीकुई जिला बने। उन्होंने समर्थन हमको दिया था, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि कोई बड़ा नेता नेतृत्व करे और सीएम साहब से और भंवर जितेंद्र सिंह जी से मिले। हम भंवर जितेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज हम सीएम साहब के वहाँ गए थे, लेकिन जैसा कि काट साहब ने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव थे या दिल्ली गए हुए थे, उसकी पूर्ण जानकारी हमको नहीं मिल पाई। लेकिन उनके जो ओएसडी हैं देवाराम जी, उनसे हम शिष्टाचार हमने भेंट की और उन्होंने हमको यही आश्वस्त किया कि जितना जल्दी होगा मैं पूरा प्रयास करूँगा कि बांदीकुई जिला बने। हम लोगों ने ये भी उनको निवेदन किया कि आपका बांदीकुई से काफ़ी लगाव रहा है, पूर्व में आप यहाँ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो इसलिए आप हमारी बात को पुरजोर तरीके से सीएम साहब के पास रखें। और जो रामलुभाया कमेटी के अध्यक्ष आईएएस रामलुभाया जी, उनसे भी हम सिंचाई भवन में मिले। उन्होंने भी हमें सकारात्मक रूप से कहा कि जितना भी मुझसे प्रयास होगा मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। मैं जो भी हमारे सक्रिय रूप से प्रतिनिधिमंडल गया, उस प्रतिनिधिमंडल में हमारी बांदीकुई की चेयरपर्सन इंदिरा जी बैरवा, हमारे बसुआ प्रधान भाई सीताराम जी मीणा, हमारे नगर अध्यक्ष अशोक जी काट, लोकमान्य सिंह जी, बाबूलाल जी भांडेड़ा, बसुआ ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर जी मीणा, निरंजन जी सलोटिया, मुकेश जी पाटोली, सुशील जी सैनी और महेंद्र जी डैमन, नीरज जी रावत, रमाकांत जी पार्षद, लगभग जितने भी लोग, मैं पूरी लिस्ट, भाई विनेश जी वर्मा जो क्रांतिकारी नेता हैं वो भी गए थे हमारे साथ, सभी लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। मैंने इनसे निवेदन किया था कल कि हमको 8:30 बजे हर सूरत में सुबह निकलना है, सभी ने बिल्कुल 8:30 बजे हमारी मदद की। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग कोई साधन वगैरह करके जाते हैं तो हमारे प्रधान साहब की खुद की गाड़ी थी, हमारी चेयरपर्सन इंदिरा जी बैरवा की स्वयं की गाड़ी थी, महेंद्र जी डैमन जो पार्षद हैं उनकी भी गाड़ी थी, रवि जी पालीवाल, इन सबकी गाड़ियों के साथ हम लोग गए। तो संघर्ष समिति का ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया। तो मैं पुनः मंच के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इसी तरीके से आप हमें हौसला अफजाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।